तो भाई साहब आज यहाँ पे जो है चारों बाइक एक साथ यहाँ पे ड्रैग होने वाली है, तो वो और ये हो चुकी है यहाँ पे पीछे पल्सर RS 200 और RC की, तो RC का तो माना ही नहीं है। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई वंस अगेन आ चुका हूँ सिद्धड़ा वाली साइड पे, और आज जो है हम बाइक का कंपैरिजन करने वाले हैं अपनी बुली का पल्सर RS 200 के साथ। बहुत ही ऑसम बीस्ट है RS 200 एंड नियर टू जो है लगभग इसके जितनी ही टॉर्क एंड पावर उसमें आप लोग को मिल जाती है। उसमें जो है 25.6 PS के करीब पावर है एंड इसमें 29 PS के करीब है, 29.9। तो सिर्फ जो है 3 से 4 मतलब कि BHP का या PS का डिफरेंस है। बाकी अगर बात की जाए ना तो वो भागती भाई क्या अल्टीमेट लेवल पे है, 150 तो मज़े से वो पार हो जाती है। तो इसका पता नहीं है, देखते हैं क्या ये 350 बुली जो है मेरी उस RS 200 को हरा पाएगी या नहीं। तो जो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मज़ा भरपूर है इस वीडियो में और आपको जो है ट्रू कंपैरिजन मिलने वाला है रोडस्टर का बाकी स्पोर्ट्स बाइक के साथ। एंड जल्द ही जो है अपन जो है RC 200 और ड्यूक 250 के साथ भी करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं सीधा आपको मीटिंग पॉइंट पे, और वहाँ पे जाके जो भी भाई अपने साथ कर रहे हैं उनको भी आपको मिलाते हैं। तो लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे आज आ चुकी हैं चारों की चारों टफ कम्पिटिटर्स यहाँ पे ZD रोडस्टर की। एंड प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो लगभग चारों का प्राइस सेगमेंट जो है 2 लाख से ऊपर ही जाता है। और भाई साहब और तीनों ही जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं ऑफ ZD रोडस्टर। बात की जाए तीनों जो है स्पोर्ट्स बाइक हैं, और ये यहाँ पे क्रूज़र कम स्पोर्ट्स है फुल मेटल, और ये बाकी सारी जितनी भी हैं ये कार्बन फाइबर या फिर प्लास्टिक बॉडी में आती हैं। तो भाई काफ़ी टफ कंपैरिजन आज रहेगा एंड बहुत ही ज़्यादा आप लोग को मज़ा आने वाला है। एंड आप लोग जो है काफ़ी देर से इनके कंपैरिजन के बारे में बोल भी रहे थे, तो भाई आज प्रॉपर आप लोग को करके दिखाएंगे। लेट्स सी सब एक साथ करते हैं या पहले इन दो का होगा, जो भी होगा आपको आगे वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। तो बिग थैंक्स टू दीज ऑल ब्रदर्स तो जिन्होंने यहाँ पर अरेंज करवाया ये, तो बढ़िया है। एंड गाइज इस बाइक में मेरे को एक चीज़ बहुत प्यारी लग रही है, ये जो आइस पे रिंग्स लगी हुई हैं ब्लू कलर की, और उसके साथ साथ ये जो आगे विंगलेट लगाया गया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो भाई की बाइक का नाम है पुष्पा, बाकी यहाँ पे JP व्लॉग्स की 250 और वहाँ पे जो है KTM RC 200 आपको मिल जाएगी। तो भाई साहब आज यहाँ पे जो है चारों बाइकें एक साथ यहाँ पे ड्रैग होने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा एंड नेक्स्ट लेवल फन रहने वाला है। तो RC 200, पल्सर RS 200, ड्यूक 250, अपनी बुली रोडस्टर। तो लेट्स गो, देखते हैं। ओ भाई साहब ड्यूक को मिल चुकी है यहाँ पे एडवांटेज। मेरे को जहां तक लग रहा है कर लेगी, बाकी की दो बाइकें तो पीछे रह गई है। और ये हो चुकी है यहाँ पे पीछे, क्योंकि बंदा आ चुका था आगे एक। भाई साहब कंपटीशन बहुत टफ था, बट बंदा आगे आ गया था उस चक्कर में, ड्यूक 250 स्लो हो गई, बट भाई बहुत टक्कर का कंपटीशन था, बहुत टक्कर का। तो बाकी की दो बाइकें जो हैं वो आ रही हैं पीछे, तो बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल कंपटीशन रहा है यहाँ पे। पल्सर RS 200 और RC की, तो RC का तो माना ही नहीं है, बट तगड़ा कॉम्पिटिशन था भाई। हाँ ये बंदा आ गया, नहीं तो बहुत टफ कंपटीशन था। हैं ये 137 पता नहीं क्यों, बट ये मैंने 141 भी पहुंचाई है। तो भाई साहब ऑसम। हाँ तो अभी फ़िलहाल जो है एक बार वापस करने वाले हैं, तो चलो
यहाँ से तो एक बार करके देख ली, यहाँ पे तो मतलब बहुत मजा आया। ओहो भाई साहब, यहाँ पे जेपी भाई जो है मस्त व्हीली मारते हुए, रोड खाली है तो इसलिए उठाई है भाई, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक में भी उठाते हैं ना, जब रोड खाली होगा तभी, तो बिल्कुल भाई ध्यान रख के ही। और आपको भी यार जो है ना खाली रोड पे ही कहीं अगर साइड पे मिले तो वहाँ जाके स्टंट्स करो, ऐसा नहीं है कि बीच रोड्स में ही करना शुरू हो जाओ, खासकर ट्रैफिक में। खाली है फिर करो मस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड भाई क्या ऑसम मज़ा था यार, मतलब ड्रैग करने का, RC 200 और RS 200 तो दिखी नहीं आसपास कहीं, बट 250 के साथ सीरियस कंपटीशन था तगड़ा वाला। उसका RPM बहुत ज़्यादा छूटता है, इसलिए 250 के आगे निकलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अपनी वाली भी कुछ कम नहीं है, बहुत दौड़ेगी बहुत दौड़ेगी। बाकियों का तो पता नहीं है, बट अपना कंपटीशन 250 के साथ है और यहाँ पे कांप जाती है, और इसका 8,500 पे RPM लॉक है तो इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है इसके लिए, और उनका RPM जो है 10,000-11,000 तक मजे से चला जाता है। सुपर्ब सुपर्ब भाई, क्या ऑसम थी। 250 को हराना थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए, बट अगर सीधा रोड होना तो माइट भी जो है चांसेस हैं कि हरा सकती है। बट आपने जो भी है सामने देख लिया क्या सिस्टम रहा, बट कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ था भाई, मतलब बहुत मज़ा आया। तो भाई मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया यहाँ पे ड्रैग करके, एंड आप लोगों ने परफॉर्मेंस चेकआउट करी ली, नो आइडिया क्या टॉप स्पीड गई है, मेरा पूरा ध्यान आगे रेस पे था, तो यहाँ पे जो है 250 को हराने में थोड़ा सा यहाँ पे जो है पीछे रहेगी, तो कंपटीशन वैसे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल टू लेवल था। बट RC 200 और पल्सर RS 200 को तो माना नहीं भाई, बट नज़ारा बहुत सही था। तो ये थी आज की कंप्लीट ड्रैग, आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। तो 250 के साथ जो आप काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे ड्रैग, तो फाइनली वो आज आप लोग को करके दिखाई दी है, एंड आई होप आप लोग को भी जो है वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो लाइक ज़रूर करना, बाकी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड दोनों का जो प्राइस सेगमेंट है वो भी नियर अबाउट सेम ही बैठता है, या मेरे हिसाब से ड्यूक 250 थोड़ी सी महंगी है। तो जो भी है ये थी वीडियो, पसंद आई है लाइक करें, बाकी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।